ये होता है ना सनातन धर्म का, हमें मान सम्मान और आदर और घमंड होना चाहिए, ना कि गर्व होना चाहिए। गर्व तो है, हमें घमंड होना चाहिए कि हम हिंदू है और हमारे सनातन धर्म को हमें अब बटने नहीं देना है। क्योंकि जो कहा है किसी ने, अगर तू बटेगा तो बेटा तू बटेगा। लोगों ने सोचा है, ये जोश आपको देख के पता चल रहा होगा कि सनातन धर्म को। अद्भुत सजा है माँ का दरबार। जी हाँ, माँ जगदम्बा का यह दरबार मुंबई के कांदिवली गोकुल नगर साई प्रभात मित्र मंडल का है, जिसे अद्भुत तरीके से सजाया गया है, जहाँ भक्त प्रतिदिन भारतीय संस्कृति को दर्शाते हुए मराठी, हिंदी, भोजपुरी भक्ति गीतों पर नृत्य करते नजर आते हैं। नवरात्र उत्सव के आयोजकों द्वारा सनातन धर्म को बखूबी दर्शाया भी गया है। आयोजकों द्वारा सनातन धर्म के प्रति जागरूक रहने का भी संदेश दिया जाता है। नवरात्र उत्सव के आयोजकों ने कहा कि गर्व से नहीं बल्कि अभिमान और घमंड से कहो कि हम हिंदू हैं, जो हिंदू पटेगा वह कटेगा। आइए नजर डालते हैं हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की इस खास रिपोर्ट पर। ये साई प्रभात मित्र मंडल का पंडाल है, जहाँ पे माँ जगदम्बा यहाँ पर विराजमान है। और आप देख सकते हैं कि भारतीय स्मिता को दर्शाने वाले तमाम बच्चे इस बारिश में यहाँ पर नवरात्र उत्सव में शामिल होने के लिए आए हैं। लोगों में एक अलग उत्साह का माहौल है। मैं आपको दिखा दूँ, पीछे मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि देवी की प्रतिमा को दिखाए, किस तरीके से देवी की प्रतिमा वहाँ पर विराजमान है। लोगों में एक अलग ही उत्साह का माहौल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। और इसे में हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ गर्भावस्थित महिलाएं हैं जो गर्भा प्रेमी हैं, उनसे बात करते हैं। कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या कहेंगे इस पंडाल को लेकर के? अच्छी है, व्यवस्था बहुत अच्छी है और पंडाल भी अच्छा सजा है और यहाँ की जो सुविधा है वो भी बहुत अच्छी है। अगर देखिए, कई जगहों पे ऐसा होता है कि नवरात्र में ना कई तरीके के छेड़छाड़ के भी बातें आती है, बहुत तरीके अलग अलग माहौल होते हैं, यहाँ पे देखने को मिलता है क्या आपको? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अच्छा व्यवस्था की। हाँ हाँ, एकदम इंतजाम किए जाते हैं। आमच्या इथे एवढं वर्ष गरबा चालत आहे, पण आमच्याकडं सुविधा चांगल्या, आमच्या मुलीच्या इथं एक छेडखानी होत नाही, आमचा मंडळ चांगला आहे। किती वर्षापासून तुम्ही हे बघता? हे म्हणजे आता मला माझं लग्न झालं 83 तिथून माझा हा गरबा मी चालू आहे। मंडळासाठी काय बोलणार आहे तुम्ही? मंडळामध्ये तर थँक्यू बोलणार की मंडळ आभारी आहे। तुम्ही काय बोलणार? त्यासाठी का आपल्या मंडळाचे पोरं सगळं व्यवस्था करतात व्यवस्थित, चांगला सगळ्यांचा सहभाग आहे इथे। मंडळांचा म्हणजे कोणाचं छेडछाड वगैरे असं मुला मुलींचं असं काहीच होत नाही, सगळं आनंदाने व्यवस्थित। देवी माँ से क्या मांगा? देवी माँ से जो मांगा था वो मिल गया, जो मांगे थे वो मिल चुका है। अब कुछ नहीं चाहिए देवी माँ से, बस जो है वैसे अच्छा चलते रहे, बस ऐसा ही चलना चाहिए। मैं तो गरबा खेलने नहीं आती, देखने आती, लेकिन मेरे पैर रुकते ही नहीं है, मैं खेलने लगती हूँ। अच्छा, ये कार्यक्रम के जो आयोजक हैं रवि जी के लिए क्या कहेंगे इनको? हाँ। ये एंकरिंग बहुत अच्छा करते हैं, मैं इनको बहुत पहले से जानती हूँ। अच्छा रवि जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इस तरफ आ जाओ। लोगों में एक अलग ही उत्साह भरने का आप काम कर रहे हो और कहीं ना कहीं सनातन धर्म को एक अलग ही रूप दिया है आपने, यहाँ पर देख के क्या कहना चाहेंगे? धीरे धीरे बातें ऐसी होती जा रही ना कि लोगों ने कम्युनिटी चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। और हमारे तरफ से, हमारे मित्रों की तरफ से ये होता है ना सनातन धर्म का, हमें मान सम्मान और आदर और घमंड होना चाहिए, ना कि गर्व होना चाहिए। गर्व तो है, हमें घमंड होना चाहिए कि हम हिंदू है और हमारे सनातन धर्म को हमें अब बटने नहीं देना है। क्योंकि जो कहा है किसी ने, अगर तू बटेगा तो बेटा तू कटेगा। अब हमें ना बटना है ना हमें कटना है, तो एक साथ होना है। तो हम ये कोशिश करते, पिछले 40-45 साल से हमारे पिताजी ये पंडाल चलाते हैं, तो अब हमने हैंड ओवर किया, हमने लास्ट 20 साल से, ये 20वां साल हमारा है। बट टच उठ भगवान की दया से हर एक प्रोग्राम अच्छे से होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से, इस मंच से, जिनका करियर घट चुका है इस मंच से, सबका लाइफ अच्छे से सक्सेसफुल हो चुका है। तो मैं देवी माता से गुजारिश करना चाहूँगा, देखने वाले सभी दर्शकों का
फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, यही मैं गुजारिश आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। धन्यवाद। अच्छा, आपके पंडाल में देखा गया कि धर्म रक्षा सूत्र का जो एक बड़े पैमाने पे कार्यक्रम चल रहा है वो भी आपके यहाँ पे किया गया? जी, उसके पीछे का रीजन था जो मारवाड़ी भजन था, तो उस वक्त हमारे पीछे जो मंदिर जी मंदिर के कुछ सदस्य आए थे, उन्होंने बोला था धर्म रक्षा, और उसका महत्व इतना था बट लोगों को वो समझाना जरूरी था, और वो हमने लोगों के हाथ में दिया, और बच्चे से लेके बूढ़े तलक, महिला से लेके पुरुष तलक, हर एक व्यक्ति ने उस धर्म रक्षा अपने हाथों में बंधा रखा है, और उसी बात की हमारी पोच पावती जो हम लोग कहते कि हमारा सक्सेस कि हर एक व्यक्ति ने उसे अपने हाथों में बांधा। कम से कम 350 से 400 लोग थे और सबके हाथों में वो धर्म रक्षा हमने बांध दिया था। यहाँ कहीं ना कहीं सनातन धर्म को एक अलग ही रूपरेखा देने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे दिखाओ, ये एक बालक है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि को दर्शाते हैं। लोगों में एक अलग ही उमंग, एक अलग ही उत्साह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ हैं जो महाराज की सभी संस्कृतियों को दर्शाने की कोशिश कर रही है। लोगों में एक उत्साह है, ये जोश आपको देख के पता चल रहा होगा कि सनातन धर्म को दर्शाता है, और सनातन धर्म को दर्शाने वाला ये जोश हमेशा बरकरार रहेगा। इसी के साथ मैं और भी पंडालों में जाऊंगा, वहां पर आपको लोगों से रूबरू कराऊंगा किस तरीके से सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए लोग मंडल द्वारा प्रयास किया जा रहा है। कैमरामैन रवि के साथ रितेश तिवारी, सुप्रीम मीडिया, मुंबई।